इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। विकास खंड सुरियावा के ग्राम सभा पट्टी बेजाव में ग्राम चौपाल का आयोजन। इस अवसर पर महिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि गांव में जो भी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन से वंचित है, उन्हें शीघ्र से शीघ्र इसका लाभ दिया जाएगा। साथ ही प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर शंभुनाथ उपाध्याय ने कहा कि गांव में कई गरीब व्यक्ति हैं जो आवास के पात्र हैं, उन्हें आवास जल्द से जल्द मिलना चाहिए। साथ ही जल मिशन का अधूरा कार्य है, उसे शीघ्र ही पूर्ण कराया जाना चाहिए। जी सर, जैसा कि आज ग्राम सभा पट्टी बजाव में जो ये ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? आज का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज का मुख्य उद्देश्य ये था कि पट्टी बजाव ग्राम सभा में चौपाल लगाया गया, जिसमें लाभार्थियों को बुलाया गया और गांव की समस्याओं को सुना गया, जिसमें मुख्य रूप से आवास और राशन की जो समस्याएँ थी, इनको पूर्ण रूप से इनकी जानकारी एडीओ एजी साहब की अध्यक्षता में किया गया, जिन्होंने पूर्ण रूप से सभी को संतुष्ट किया बता के, और विभागीय जितनी भी योजनाएं थी सभी को बारे में बताया गया, जैसे निराश्रित महिला पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, कन्या सुमंगला हो, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में सभी को बताया गया और हर एक लोगों के समस्याओं को सुना गया है और उसकी निस्तारित किया गया है। जैसे समस्याओं को लेकर लोगों का जैसा क्या समस्या विशेष रूप से नजर आई आप? विशेष रूप से वही आवास है और राशन की है, जो हमारे सचिव साहब ने उनको नोट किया है, सबका रजिस्टर बना के नोट किया है सबकी समस्याओं को, और जैसे ही आवास की सूची अगली बार जारी होगी उसमें उन लोगों का नाम डाल दिया जाएगा। जी, विकास कार्यों को लेकर सर क्या आपकी स्थिति कैसी है? नहीं, विकास कार्यों के नाम से हमारे वीडियो साहब विकास खंड अधिकारी जो हैं आलोक कुमार पांडे जी हैं, जो पूरी एकदम जी तोड़ मेहनत करके यहाँ पे काम विकास के कार्यों पे एकदम आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको उनकी सराहना जितनी भी की जाए उतनी कम है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के उद्देश्य को, जो मीटिंग की बैठक का उद्देश्य था? सरकार की मंशा थी कि हर गांव में ग्राम चौपाल लगे और जो गांव की समस्या है गांव में ही समाधान किया जाए, तो उसी के उपलक्ष में ये आज के डेट में रखा गया था। तो जितने ग्रामवासी थे आए थे, सबकी समस्या बस यही मिल रही है कि हमारे पास हैंडपम्प नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, हमें आवास चाहिए, यही समस्या बार बार आ रही है। इसे कैसे निस्तारण किया जाएगा? निस्तारण किया जाए, आवास के लिए बता दिया गया है कि हमें ये अभिलेख प्राप्त करा दीजिए या पंचायत भवन पे दे दीजिए, फिर उसके बाद हम सूची बना के शासन के स्तर से भिजवा दिया जाएगा। और हैंडपम्प के लिए, हैंडपम्प तो नया लग नहीं रहा है जी। और देखा जाएगा, प्रयास किया जाएगा, जैसा रहेगा फिर विधायक सांसद निधि से मिलता है तो 10-15 मने इस गांव में दे दिया जाएगा। हमारे यहाँ आज चौपाल लगा था, सब ग्रामीण लोग आए थे, सब अपना समस्या बताएं, समस्या का समाधान होगा, समस्याओं का समाधान। आज हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पट्टी बजाओ के डॉक्टर शंभुनाथ उपाध्याय, स्वागत है सर चैनल में। जैसा कि आज ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया और गांव में तमाम अधिकारी आए हुए थे और समस्याओं को सुना, क्या कहना चाहेंगे इसे लेके? चौपाल आया, कमेटी आई, बड़ी अच्छी स्थिति थी, लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए गरीबों ने। उस संदर्भ मेरा एकमात्र एक निवेदन है, गरीबों को अधिक से अधिक आवास दिया जाए जो गरीब पात्र व्यक्ति हैं, और दूसरे अंत्योदय कार्ड भी दिया जाए, और तीसरी कि जल मिशन योजना के अंतर्गत पाइप सड़कें खराब कर दी गई हैं और तमाम ऐसे पुरवे हैं, घर हैं जहां जल मिशन की पाइप नहीं बिछाई गई है, घर घर टोटी घर घर जल की योजना का हमारे यहाँ उल्लंघन हो रहा है और कोई सहयोग नहीं, अगर अधिकारियों से कहा जाता है अधिकारी सुनते नहीं हैं, ये बड़ा कष्ट का विषय है। विकास, योगी मोदी के विकास के साथ मैं समर्पित हूँ और समर्पित रहूँगा, लेकिन उसका पालन धरती धरातल पर नहीं हो रहा है, 100% नहीं हो रहा। मैं तो चाहता हूँ विकास की गंगा बढ़ती रहे, धन आता रहे, विकास की गंगा बढ़ती रहे, लेकिन धरातल पर जो लोग बड़े कहते हैं उसका अनुपालन किया जाए, मेरी ये इच्छा है और स्वयं मैं चाहता हूँ। आज चौपाल लगा, बड़ी खुशी की बात है, गांव के लोग इकट्ठा हुए, बड़ी खुशी की बात है, उन्होंने अपने दुख दर्द को बताया, ये और खुशी की बात है, लेकिन जल मिशन की योजना, अंत्योदय कार्ड की योजना, तमाम ऐसे पात्र हैं जिनके पास भोजन नहीं है, उनको राशन कार्ड बनाया जाना नितान्त आवश्यक है, लेकिन सप्लाई विभाग सुनता नहीं है, कोई कार्य करने के तैयार नहीं होता, मुझे बड़ा दुखद है। इस बात में सरकार की मंशा 100% सत्य है, सही है, लेकिन उनके अधीनस्थ लोग उसका पालन नहीं करते।
सर इस समय जैसा कि अभी बारिश का दिन चल रहा है और सुनाई दिया है कि और लोग बता भी रहे हैं, गांव में चर्चा है कि आपके द्वारा जो मार्ग का निर्माण किया जा रहा है वो काफ़ी इस समय बड़ा ही प्रशंसा के पात्र आप बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी पाल बस्ती में मैं 150 मीटर खड़ंजा बिछवाया हूँ, मुस्लिम बस्ती में मुहर्रम के अवसर पर मैं खड़ंजा बिछवाया हूँ, बिन बस्ती में खड़ंजा बिछवा, चौहान बस्ती में भी मैं खड़ंजा बिछवाया हूँ बंशीधर के घर के तक। लेकिन हमको बड़ी इच्छा होती है मैं काम करूं, हित करूं, विकास के काम में मैं मेरी रुचि रहती है, लेकिन धन के अभाव में मेरा काम छूट जाता है। मैं चाहता हूं सरकार धन देती रहेगी और विकास की गंगा बहती रहेगी, मैं इसमें विश्वास करूं। प्रशासनिक अधिकारियों से क्या अपील करेंगे? अब क्या कहें, मैं प्रशासनिक अधिकारियों से बार बार कहता हूं, राशन कार्ड के लिए मैं कहता हूं, अंत्योदय कार्ड की जाँच के लिए मैं कहता हूं, मैं कहता हूँ जल मिशन के अधिकारियों को घर घर, तो सरकारी योजना है कि घर घर टोटी पहुँचाई जाए, तमाम ऐसे पूर्वे हैं जहाँ छोड़ दिया गया है, लेकिन सुनते नहीं है, मानते नहीं, वो कहते हाँ कर दें कर दें कर देंगे बस। हाँ सर, गांव में आवास की स्थिति क्या है इस समय? आवास तमाम ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है, अगर पात्र व्यक्तियों को जगह आवास दिया जाए तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी, गरीबों का हित होगा, गरीबों की भलाई होगी, और मैं गरीबों के हित पात्र व्यक्तियों के हित में मैं लड़ाई लड़ता रहता हूँ। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।